वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है कोरल ड्रॉ का ट्यूटोरियल और आज हम कोरल ड्रॉ में डिजाइन करेंगे बैज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। सब्सक्राइब करें क्रिएटिव आर्ट चैनल को, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, नेम में मैं रखूंगा बैज। पीस है डेस्टिनेशन कस्टम, साइज A4 ही ले लेंगे और यूनिट्स में मैं पिक्सल रखूंगा, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप, नंबर ऑफ पेज 1, प्राइमरी कलर मोड CMYK, रेंडरिंग रेजोल्यूशन 300 dpi और ओके प्रेस करेंगे तो एक पेज क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले व्यू में जाएंगे, पिक्सल मोड से इसको एनहांस मोड में कर देंगे और जूम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलिप्स टूल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करते हुए एक परफेक्ट राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस राउंड शेप का एक कॉपी करेंगे, कीबोर्ड से प्लस की प्रेस करेंगे, ये कॉपी हो जाता है। शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको सेंटर से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, मे बी मैं इतना छोटा कर देता हूँ। इसको कर देंगे ग्रे, मैं ग्रे कर रहा हूँ 70%, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हो। आउटलाइन इसमें है, आउटलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है तो आउटलाइन को नन कर देंगे। तो इसका एक और कॉपी करेंगे, प्लस की प्रेस करेंगे, एक और कॉपी हो जाता है, उसको मैं कर दूंगा ब्लैक और शिफ्ट की प्रेस करते हुए सेंटर से इसको भी छोटा कर लेंगे, ये भी मैं इतना छोटा कर रहा हूँ। और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ग्रे पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक और ग्रे दोनों। अब हम इसको करेंगे ट्रिम, तो यहाँ इस सेकंड ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे ट्रिम, हो गया। ट्रिम हमने इसलिए किया है कि इस पार्ट में इस ब्लैक ने इस ग्रे को बीच में से पंच कर दिया। तो अब इस एलिप्स को हम साइड में रखेंगे, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम एक स्टार ड्रॉ करेंगे, तो मैं स्टार टूल सेलेक्ट करता हूँ और साइड्स हम 50 रखेंगे, यहाँ 50 टाइप करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए एक कुछ इस तरह से एक स्टार मैंने ड्रॉ किया। शिफ्ट प्रेस करते हुए इस ग्रे पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को सेंटर में लेके आएंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के पैनल में जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल नहीं दिख रहा है तो उसके लिए विंडो में जाइए, टॉकस में जाइए और यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे या कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके भी आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो मैं सबसे पहले करूँगा अलाइन सेंटर हॉरिजेंटल, अलाइन सेंटर वर्टिकल, इसका शॉर्टकट की है सी और ई, सी और ई प्रेस करके भी आप सेंटर में लेके आ सकते हो। डी सेलेक्ट करेंगे और इस स्टार को सेलेक्ट करेंगे, स्टार को मैं कोई फील दे देना चाहता हूँ तो मैं इसको कर दूंगा ऑरेंज, आउटलाइन कर देंगे नन, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको सेंटर से थोड़ा छोटा कर लेंगे, तो मैं इसको इतना छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यस ये इतना ठीक है। डी सेलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो मैं रेक्टेंगल टूल पे जाता हूँ, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया मैंने और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। इसको मैं कर दूंगा
थोड़ा सा डार्क हम ऑरेंज लेंगे या फिर और डार्क कर लेते हैं, इसको ब्राउन कलर कर लेते हैं, ये ठीक है। और इसके आउटलाइन को मैं नन कर दूंगा। इस क्रॉस के आइकन में जाके आप माउस पॉइंट ले जाके राइट क्लिक करोगे तो आउटलाइन नन हो जाएगा। अब उसके बाद इसको पहले सेंटर में लेके आएंगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए इस स्टार को भी सेलेक्ट करेंगे। सो अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल, अलाइन सेंटर वर्टिकल, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। डी सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और ब्राउन पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे या कंट्रोल क्यू प्रेस करके भी आप कर्व कर सकते हो। थोड़ा सा जूम करेंगे और शेप टूल सेलेक्ट करेंगे या F10 प्रेस करके भी आप शेप टूल सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम ध्यान देखिए, यहाँ पे एक नोट है, एक नोट यहाँ पे भी है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, दोनों सेलेक्ट हो गए, देखिए ब्लू कलर का हो गया, दोनों सेलेक्ट है। यहाँ ऊपर अगर हम देखें, ये देखिए ग्रीन कलर का प्लस का आइकन है, एड नोट, अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो इन दोनों नोट के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक नोट और ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक और नोट आ गया है। डी सेलेक्ट करेंगे और इस नोट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, ये भी मैं कुछ इतना लेके आया है। अब मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और एक स्क्वायर में कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। इसकी आउटलाइन को मैं हेयर लाइन कर दूंगा यहां से और इसको रोटेट करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे, रोटेशन हैंडल आ गए, कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको रोटेट कर लेंगे और इसको मैं ड्रैग करके यहां लेके आऊंगा। अब गाइडलाइन के लिए एक रूलर ऊपर से लेके आएंगे और इसको इस कॉर्नर पे रखेंगे, देखिए स्नैप हो गया। एक बात का जरूर ध्यान रखिए, ऊपर स्नैप टू का ऑप्शन है, इसमें स्नैप टू ऑब्जेक्ट में चेक होना चाहिए, ये हमेशा आप करके रखिए। सो अब मैं इस स्क्वायर को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और ऊपर के इस रीसाइज एंटल से इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, ये भी इतना ठीक है, हमें कुछ इस तरह से शेप चाहिए। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ब्राउन पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट जैसे करेंगे एक बीच में और शेप आ जाता है। मैं इसका कलर कर देता हूँ ऑरेंज, आप देख सकते हो। अब इस स्क्वायर की हमें जरूरत नहीं, इसको कर देंगे डिलीट, जूम आउट करेंगे। अब इस ब्राउन पार्ट को हम बीच में से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए मैं टू पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सेंटर में, कंट्रोल प्रेस करते हुए कुछ इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। जूम करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ब्राउन पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, इसको सेंटर में लेके आएंगे सबसे पहले, तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल, अलाइन सेंटर वर्टिकल, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। दोनों को सेलेक्ट ही रहने देंगे और उसको कर देंगे ट्रिम। ट्रिम करने के बाद अब हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको ब्रेक कर्व पार्ट या कंट्रोल के से भी आप ब्रेक कर सकते हो। तो देखिए ये ब्रेक हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, अब डिलीट कर देंगे और इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, अब इसको भी डिलीट कर देंगे। इस ब्राउन पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसका एक और कॉपी करेंगे, प्लस की प्रेस करेंगे, एक कॉपी और हो जाता है और उसको कर देंगे मिरर हॉरिजॉन्टल और उसको कंट्रोल प्रेस करते हुए इस तरह लेके आएंगे, जूम करेंगे
और इसको मैं यहां से पकड़ता हूं, कंट्रोल प्रेस करते हुए यहां लेके आएंगे कुछ इस तरह से। दोनों को एक दूसरे से ओवरलैप कर देंगे, थोड़ा सा करेंगे बस इतना, ठीक है। अब लेफ्ट का जो पार्ट है सेलेक्ट है, शिफ्ट की प्रेस किया मैंने और राइट का भी दोनों पार्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब दोनों को वेल्ड कर देंगे, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये अब एक ऑब्जेक्ट हो गया। कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे, अब इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस ऑरेंज पार्ट को, इसकी भी एक कॉपी करेंगे, प्लस की प्रेस करेंगे, एक कॉपी हो जाता है और उसको करेंगे मिरर हॉरिजॉन्टल। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ब्राउन पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे और उसको करेंगे अलाइन लेफ्ट कुछ इस तरह से। डी सेलेक्ट करेंगे, अब इस रूलर की जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इस सर्कल में, इस बाहर वाले सर्कल में, इसकी जो आउटलाइन है इसको, इसकी विड्थ बढ़ा देंगे, मैं इसको कर दूंगा 16, थिंक ये ठीक है। अब ये आउटलाइन है, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो सेलेक्ट ही रहने देंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करके भी आप इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब मैं इसको भी 70% ग्रे कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसमें टेक्स्ट लेके आएंगे बीच में, टेक्स्ट मैं यहाँ रखूँगा, टेक्स्ट यहाँ और यहाँ, तो मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैंने टाइप किया ग्राफिक डिजाइन और इसकी जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर देंगे, तो मैं इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, वेटिकन में ले लेता हूँ, ये बोल्ड फॉन्ट है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, थिंक इतना ठीक है। और इसके बीच की जो टेक्स्ट की गैपिंग है उसको बढ़ा देंगे, तो मैं पहले शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ दो हैंडल आप देख सकते हो, इस राइट साइड की हैंडल को राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, देखिए बीच में से इसकी गैपिंग बढ़ गई। अब इस ब्लैक एलिप्स को हम यहाँ सेंटर में लेके आएंगे, तो उससे पहले मैं इसके फील को नन कर देता हूँ और आउटलाइन हम ब्लैक ले लेंगे, और शिफ्ट प्रेस करते हुए इस ग्रे पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, दोनों को अलाइन करेंगे, सी और ई प्रेस करेंगे, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट यहाँ आए, तो उसके लिए मैंने ये एलिप्स मैंने यहाँ पे रखा है। अब डी सेलेक्ट करने के बाद पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और मैं जूम कर लेता हूँ, इस एलिप्स को भी मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए ये आउटलाइन दिखाई दे रहा है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, दोनों को पहले अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो दोनों अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली आ गए। अब डी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं, ये जो टेक्स्ट है मैं इसकी एक कॉपी और करके यहाँ रख देता हूँ। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए इस एलिप्स को भी सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखाऊं, इस एलिप्स को मैंने सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट है, टेक्स्ट में जाएंगे, फिर टेक्स्ट टू पाथ क्लिक किया मैंने, तो देखिए ये टेक्स्ट इस एलिप्स के ऊपर आ गया। अब देखिए डी सेलेक्ट करके अगर मैं इस टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से करूंगा, या फिर मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगा, तो देखिए ये सर्कल भी साथ में आ जाता है, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सेलेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्रेक टेक्स्ट का पार्ट, या कंट्रोल के से भी आप ब्रेक कर सकते हैं,
अब देखिए ये ब्रेक हो गया, थोड़ा सा जूम करेंगे और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए थोड़ा सा मैं ऊपर लेके आया है, कुछ इस तरह से डीसेलेक्ट करेंगे। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा एडिट कर लेते हैं या कुछ और टाइप कर लेते हैं। मैं पहले स्टार लगाता हूँ और क्लास और फिर स्टार, कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ ये वाला टेक्स्ट यहाँ आए, कुछ इस तरह से। तो जूम करेंगे थोड़ा सा, शिफ्ट प्रेस करते हुए इस एलिप्स को भी सेलेक्ट करेंगे। इस एलिप्स को मैंने सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, फिट टेक्स्ट टू पाथ, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं। अब मैं पहले इसको रोटेट कर लेता हूँ, एक बार और क्लिक करेंगे, सेंटर में क्लिक किया मैंने, ये रोटेशन हैंड डाला गया और इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए रोटेट मैंने कर लिया, कुछ इस तरह से। अब हम इसको नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट किया करता हूँ, कंट्रोल प्रेस किया और कुछ इस तरह से नीचे लेके आया। अब यहाँ पे मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली करेंगे इसको और फिर मिरर टेक्स्ट वर्टिकली करेंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाता है। डी सेलेक्ट करेंगे, इस एलिप्स को सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये एलिप्स अभी भी इस टेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अगर मैं इस एलिप्स को सेलेक्ट करके मूव करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट भी आ जाएगा। कंट्रोल सेट अंडू करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्रेक करेंगे, कंट्रोल के से भी आप ब्रेक कर सकते हो। और अब मैं डी सेलेक्ट करके फिर से सेलेक्ट करता हूँ इस एलिप्स को, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। अब इस टेक्स्ट को कंट्रोल प्रेस करते हुए नीचे लेके आएंगे, कुछ इस तरह से डी सेलेक्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट, तो यहाँ के लिए भी कुछ टाइप कर लेंगे। तो मैंने क्रिएटिव आर्ट टाइप किया, सेलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, हेलवेटी का फॉन्ट लिया मैंने और इसको मैं चाहता हूँ यहाँ रखना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करते हुए इस राइट साइड में रिसाइज हैंडल से पकड़ लेंगे, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। शिफ्ट प्रेस करते हुए इस ब्राउन पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, इस शेप को दोनों को अलाइन करेंगे, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल, अलाइन सेंटर वर्टिकल, तो ये बिल्कुल अलाइन होगी। डी सेलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैं वाइट कर देना चाहता हूँ, मैंने वाइट कर दिया और पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे और इसको आप चाहे तो आप बड़ा कर सकते हो, और सेंटर में लाने के लिए पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये सेंटर में आ जाता है। और अब हम जूम करके देखेंगे, कंप्लीट हुआ हमारा बैच। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए और क्रिएटिव आर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइबर है तो लाइक और शेयर करना ना। अगले कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल में हम कुछ और नया डिजाइन करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।